युवा तरंग सागर से गहरा जो प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम, आसमां से ऊंचा जो प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम, तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम, सच्चा प्रेम अनंत प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम, इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को, इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को, चाहा के पाए उद्धार सभी, बनाया मुक्ति का स्रोत से, बनाया मुक्ति का स्रोत से। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम, सागर से गहरा जो प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम, आसमां से ऊंचा जो प्रेम ईश्वर तेरा ही प्रेम। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि इस छोटे से प्रयास के द्वारा आपके जीवन में कुछ फर्क आ रहा है। देखिए, हमारा जीवन बहुत जटिल है। जीवन में हमें कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन सारी परिस्थितियों में प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने का प्रयास आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रभु का प्रकाश आपको प्राप्त होगा, सही मार्ग आपको प्राप्त होगा। आज की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा ही अपने अहम को दिखाने में लगे हुए हैं, चाहे वो ज्यादा धनी हों, समर्थ हों। आज का जमाना दिखावे का जमाना होता जा रहा है। ऐसे में प्रभु यीशु की कुछ शिक्षाएं बहुत ही चुनौती देने वाली शिक्षाएं होती हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों के पैरों को धोया और उनसे कहा कि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, तुम भी एक दूसरे के पैर धोना सीखो। प्रभु ने उनको सेवा के महत्व के बारे में बताया। दुनिया में लोग सेवा लेना चाहते हैं, लेकिन सेवा देने वाले बहुत कम हैं। सेवा देना लोग निचले स्तर का कार्य मानते हैं। प्रभु यीशु अपने इस उदाहरण के द्वारा हमें समझाते हैं कि सेवा एक दैविक ईश्वरीय कार्य है, एक आध्यात्मिक कार्य है। आइए हम पवित्र वचन को सुने, पवित्र वचन पर जो व्याख्या दी जा रही है उसको भी सुने। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम जानते हैं कि हम सब जीवन में बहुत सारे सपने देखते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, ताकि हम भविष्य में जाके अपने जीवन में क्या करेंगे, उन सब के बारे में हम कभी ना कभी बचपन में, स्कूल के समय में, या अपनी युवा अवस्था में बड़ा होता होता हम काफ़ी सारे सपने देखते हैं, और उन सपनों में हम देखते हैं कि आगे जाकर कुछ वर्षों के बाद हम क्या होंगे। आज खास तौर से मैं ये
वीडियो जो है युवा भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो जीवन में आगे जाके किसी न किसी पद पे पहुँचेंगे और अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम जो सपने देखते हैं कभी कभी पूरे होते हैं, कभी कभी नहीं होते। इसलिए हम सब जब अपने सपनों को देखें तो हम ये भी याद रखें कि हमारे सपने केवल हमारे फ़ायदे के लिए या हमारे अच्छाई के लिए नहीं बल्कि सारी समस्त सृष्टि जो है उसकी अच्छाई के लिए हो। और प्रभु यीशु मसीह हम सब से यही चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करें। और इसके चलते हम जब अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जीवन में अपना प्रोफेशन या फिर अपना कामकाज चुनने के लिए जाएं, तो हम ये ज़रूर सोचें कि हम विश्वासी हैं और हम हमारा मॉडल कौन है। हमारा मॉडल, हमारा मार्गदर्शन करने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। और इसी तरह हम अपने कैरेक्टर के हमारी जो पहचान है उसको गहराई से तभी जान सकते हैं जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे जाएं, तरक्की करें, सक्सेसफुल हों। और इसके लिए हमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम सोचें कि हम अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ या कौन से गुण लेकर चलेंगे। और जब हम जीवन में आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हम में से हर कोई यही चाहता है कि हम अपने जीवन में एक लीडर बने, कि हम अपने जीवन में अगुआ बने, कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और ये लीडर बनना, अगुआ बनना या दूसरों का नेतृत्व करना, इसके लिए हम सभी बुलाए गए हैं। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि हम सब लीडर नहीं बन सकते। देश में बहुत सारे लीडर हैं और सभी लीडर अपने अपने हिसाब से तरीके से काम नहीं करते, बल्कि उनके सामने जो है संविधान है या उनके सामने कोई ना कोई कानून है जिसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में सोच रहे हैं कि आप अगर लीडर बनेंगे, आप नेतृत्व करेंगे, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी रूल बुक है, जो आपके कानून हैं, वो किस तरह के होने चाहिए। हमें सबसे अच्छी लीडरशिप यीशु क्रिस्त के ज़रिए मिलती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन को ऐसे जिया कि वो लीडर भी थे और सेवक भी थे। हम देखते हैं योहन का पवित्र सुसमाचार उसके 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा हलीम और छोटा करने वाला एक किरदार यीशु क्रिस्त ने निभाया जिसमें वो सारे शिष्यों के पैर धोते हैं। वो लीडर थे लेकिन वो सबके सेवक बने। और पूरे प्रभु के वचन में देख लीजिए, बाइबल में शुरुआत से ही पिता परमेश्वर जो है लोगों को चुनते हैं। किसके लिए? लोगों की अगुवाई करने के लिए। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ खोलें उसके 12 अध्याय में हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है उसे बुलाहट दी जाती है और परमेश्वर उसे उसके परिवार में से, उसके पूरे लोगों में से चुनकर उन्हें एक मिशन देते हैं ताकि वो दूसरी जगह जाके नेतृत्व करें, लीडर बने और ईश्वर के वचन को सारे जहान में, सारे लोगों के पास लेकर जाएं। उसने ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए लीडरशिप का रोल ले लिया और कैसे निभाया हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो हमारे विश्वास के पिता कहलाए जाते हैं। हम सभी उन्हें विश्वास का पिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और वो लीडर बने। कुछ नबी भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना था इस कार्य के लिए। एक उदाहरण दे सकता हूँ नबी इसाइस का। नबी इसाइस जो थे उन्हें परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना मिशन करने के लिए किसे भेजूँ। हम देखते हैं उसके अध्याय 6 में पद संख्या 8 में कि इसाइस नबी अपना जवाब देते हैं, परमेश्वर मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेजिए। और वो लोगों के बीच में से इसाइस को उठा के उन्हें लीडर बनाते हैं। किसके लिए? दूसरों की सेवा के लिए। इसी तरह बाइबल में हम देखें सबसे मुख्य उदाहरण प्रभु यीशु क्रिस्त का, जो लोगों के बीच में जाकर लीडर है लेकिन सेवा भी करते हैं। इसलिए लीडरशिप रोल होना ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर अपना हुक्म चलाएं, अपना शासन चलाएं, बल्कि हम दूसरों के साथ एकदम नरम दिल होकर दूसरों के सेवक बन सकें।
आप अगर अपने जीवन में मेरे युवा भाई और बहनों लीडर बनना चाहते हैं, आगे जाके महान कार्य करना चाहते हैं, तो आज ज़रूरत है कि आप सब, हम सब ये समझें कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप यीशु मसीह की तरह होती है, जिसे हम सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं, ताकि हम लीडर बने तो दूसरों की सेवा के लिए। हम देखते हैं संत पौलुस को, बाइबल में संत पौलुस को प्रभु चुनते हैं और उनको भेजते हैं कि वो सारी दुनिया में जाकर लोगों में प्रचार करें। हम संत पौलुस का पहला जानते हैं, वो साउल कहलाए जाते थे और उन्होंने बहुत सारे ईसाइयों को मारा, उन पर अत्याचार किया, लेकिन जब वो चुने गए तो वो ऐसे लीडर बने कि जैसा इतिहास में किसी ने नहीं देखा। हम सब ईसाई इतिहास में अगर देखें, सबसे बड़ा मिशनरी कौन था? वो संत पौलुस था, जिसने दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु येसु क्रिस्त का वचन फैलाया, उनके नाम पर लोगों को बपतिस्मा दिया। और ये कब हुआ? जब ईश्वर उन्हें लीडरशिप रोल के लिए चुनता है, उन्हें एक लीडर बनाता है, एक नेतृत्व करने का मौका देता है और वो बाखूबी से उसे निभाते हैं। और इसी तरह आज मेरा विश्वास है कि प्रभु ने हम सबको, आपको और मुझे चुना है कि हम भी इस लीडरशिप रोल में, कि हम भी लोगों के सामने जाकर अगुवा बने, हम नेतृत्व करें। जैसे मैं एक फादर होने के नाते एक पैरिश के अंदर लोगों को प्रभु की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग विश्वास में आगे बढ़ें, और इसके बीच में अगर मैं अपने पर्सनल काम करने लगा या अपने पर्सनल कानून लोगों पर थोपने लगा, तो शायद मैं प्रभु का मिशन नहीं कर रहा। और अगर जिस बुलाहट में प्रभु ने मुझे बुलाया है, जिसमें बढ़ने के लिए मुझे कहा गया है, उस बुलाहट के अनुसार अगर मैं प्रभु का मिशन पूरा करना है, तो मुझे भी प्रभु येसु मसीह के समान एक लीडर और साथ में एक सेवक भी बनना है, ताकि मैं लोगों के बीच में प्रभु का वचन फैलाते हुए सेवा कर सकूं। क्योंकि हमारे सामने मॉडल प्रभु येसु क्रिस्त का है। योहन का सुसमाचार उसके 13 अध्याय से मैंने आपको शुरुआत में बोला कि येसु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं और हम भी सभी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में लीडर बनना चाहते हैं या आप अपने जीवन में आगे नेतृत्व करना चाहते हैं, तो कृपया ये बात ज़रूर याद रखिए कि प्रभु येसु क्रिस्त चाहते हैं आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये चीज़ कभी ना भूलें कि हम सबको बुलाया गया है कि हम दूसरों की सेवा करें, हम सर्वेंट लीडर बने, ना कि दूसरों पर हुकूमत चलाने वाला। हम देखते हैं इतिहास में हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं। हिटलर को देख लीजिए, वो भी एक लीडर था, उसने कितने ही यहूदियों को मार डाला, इसलिए उसका इतिहास में नाम बहुत ही खराब पन्नों पे लिखा गया है, जिसने एक लीडरशिप रोल निभाया लेकिन लोगों को मारने के लिए, अत्याचार लोगों पर डालने के लिए, और बहुत से लोगों के जीवन में उसने अंधकार ला दिया। इसलिए आज इस दुनिया में, जिस समय में हम रहते हैं, हम सभी अपने स्मार्टफोन्स के साथ बिजी हैं, हम सभी अपने कामकाजों के साथ व्यस्त हैं, उस सब के बीच में प्रभु येसु मसीह के दिए जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुए जा रहे हैं। इसलिए उसे आज भी जागरूक रखने के लिए, उसे आज भी हमारे दिलों में ताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें प्रभु येसु मसीह के गुण। प्रभु येसु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करें, और जब आप अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं कि आगे जाकर आप कामकाज करें, नौकरी करें या अपना बिजनेस चलाएं या जीवन में आगे बढ़कर कल को लीडर बने, आप हर कोई अपने अपने क्षेत्र में लीडर बने, लेकिन जब आप किसी ऊंचाई पर पहुँचें, किसी मुकाम पर पहुँचें, तो ज़रूर याद रखिएगा कि हम सब लीडर नहीं हैं, हम सब सेवक हैं। इसलिए सर्वेंट लीडरशिप ही हमारे लिए ज़रूरी है। और आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो ये ज़रूर याद रखना कि हमें ये लीडरशिप और सर्वेंटशिप जो है, ये केवल प्रार्थना के ज़रिए और प्रभु से जुड़े रहने के ज़रिए हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, प्रार्थना की भी बहुत कमी है हमारे बीच में, हम सभी रोज़ाना प्रार्थना करें ताकि प्रभु के गुणों को हम पहचान कर उन्हें रोज़ाना जीने की कोशिश करें। आइए कोशिश करें कि हम सभी अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ें, अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में, जब हम कोई भी फील्ड चुने, कोई भी क्षेत्र चुने, तो उसमें प्रभु की आशीष बरकत रहे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की आशीष आप पर रहे, ताकि हम सभी
प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए ना केवल लीडर बने बल्कि सर्वेंट लीडर बने, सेवा करने वाला नेतृत्व हम सबको चाहिए और हम उसके जरिए अपने जीवन में प्रभु की बहुत सी आशीष को पा सके। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं। हे पिता, इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, तू उनके साथ चलना, तेरे आत्मा के द्वारा उनको संचालित करना, तेरे पुत्र के द्वारा तूने जो उदाहरण उन्हें दिया है उस उदाहरण को ग्रहण करने के लिए उसके अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा देना। जीवन की कठिनाइयों में तू उनके साथ इस बात का एहसास करने की कृपा देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। चाहा कि हर कोई साथ तेरे, बनाया अपने ही रूप ने, बनाया अपने ही रूप में। गहरा जो प्रेम, ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम, अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम।